वहां नसब नहीं चलता, मेरे नबी की गुलामी का सिक्का चलता है। मेरे भाइयों, ये तबलीग का पैगाम है। हम किसी फिरके के दाई नहीं, किसी फिरके के नुमाइंदे नहीं हैं। ये इस्लाम का पैगाम है कि अल्लाह उसके रसूल के गुलाम बन जाओ, अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी को सीखो भी सही, फैलाओ भी सही। सारी जिंदगी दो बातें हैं, एक इबादत है, एक अखलाक है। इबादत अल्लाह से जुड़ने का जरिया है। वो मुआशरा ईमानी मुआशरा नहीं है जिसमें नमाज ना हो, जिसमें नमाज ना हो, जिस घर में नमाज ना हो, वो घर ईमान वाला नहीं है, इस्लाम वाला नहीं है। जो माथा मेरे रब के सामने ना झुकता हो, ये नसीबों वाला नहीं है, ये हारा हुआ है, ये हारा हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे नबी का पैगाम दो बातों में, दो बातों में दुनिया से जाते हुए, अस्सला वमा मलकत ईमानुकुम, मेरी उम्मत एक नमाज ना छोड़ना, एक 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 अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक करना, नौकरों से, मातहतों से, गुलामों से इंसान बन के रहना। दीन की तकमील है हुस्ने अखलाक के साथ, माफ करने के साथ, दरगुजर करने के साथ। जो लोगों को माफ करता है अल्लाह उसे माफ कर देता है। तुमने ये तो सुना होगा, नमाज पढ़ो गुनाह माफ, हज करो गुनाह माफ, रोजा रखो गुनाह माफ, जिक्र करो गुनाह माफ, तिलावत करो गुनाह माफ। लेकिन सिर्फ अगर इतने ही पर गुनाह माफ होते तो ये तो बड़ा थोड़ा सा